हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फ्लाइट टिकट कैसे बुक किया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट ऐप से फ्लाइट टिकट बुक करना सिखाऊंगा। आप चाहें तो पेटीएम से, makemytrip.com से या GoiVivo से बुक कर सकते हैं। मैं पेटीएम पे इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर कैशबैक आता है। ऑफर में क्या होता है, कैशबैक बाद में आता है। इसमें क्या होता है, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। फ्लिपकार्ट में इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, प्लस सुपर कॉइन 100 मिलता है। सुपर कॉइन भी एक तरीके से 100 रुपया हुआ, यानी कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिला 100 रुपया आपको कैशबैक भी मिला। तो इसलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ, बहुत ही अच्छा ऐप है। अब मैंने पेटीएम पे भी, अगर आपको दिक्कत है तो मैंने पेटीएम पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया कि फ्लाइट टिकट के लिए, आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक लेके देख सकते हैं। तो चलिए, करना क्या होगा, देखिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा फ्लाइट्स, होटल्स एंड बस, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फ्लाइट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जिस पे कि आपको फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन दिखने लगेगा। देखिए, वन वे ट्रिप करना है, राउंड ट्रिप करना है। राउंड ट्रिप आपको पता है कि क्या होता है, आने और जाने का एक साथ टिकट कराना। वन वे ट्रिप का यानी कि जाने जाने या आने आने का टिकट कराना। इसके बाद आपको नीचे कुछ ऑफर्स दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि अभी इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है ICI के क्रेडिट कार्ड पे, या आप फर्स्ट यूज़र हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डोमेस्टिक फ्लाइट पर 2500 तक का ऑफ है, और राउंड ट्रिप लेते हैं तो 600 रुपये तक का ऑफ मिलेगा, चाहे वो आप सेकेंड यूजर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दे रखा है, स्टेट वाइज एडवाइजरी दे रखा गया है। अभी जो कोरोना काल में जो एडवाइजरी दी जा रही है, वो एडवाइजरी यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सुपर कॉइन। सुपर कॉइन से आप फ्री में टिकट बुक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 3 से 4 हज़ार का टिकट है और आपके पास उतना कॉइन है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर कुछ चार्ज लग रहा है तो उस चार्ज को मिला के आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सुपर कॉइन का यही फ़ायदा है, और आपको हर ट्रांजेक्शन पे 100 सुपर कॉइन मिलेगा, यानी 100 रुपये भी मिलेंगे साथ में डिस्काउंट के बाद। तो चलिए मैं कर लेता हूँ दिल्ली टू बेंगलोर, मुंबई, मुंबई कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद आपको डेट डाल देना है। डेट मैंने सेलेक्ट करना है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 12 जून कर लेते हैं। और जैसे आप डेट देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पेमेंट भी दिखाएगा, आज के डेट का कितना रुपया, 7072 रुपया, उसके बाद 272 हो गया। उसके अकॉर्डिंग आपको, डेट के अकॉर्डिंग आपको प्राइसेस दिखाने लगेगा। तो मैं 12 कर लेता हूँ, 3944 है। सर्च करेंगे सिंपल सा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे ही आप इकोनॉमी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फेंट, चाइल्ड और एडल्ट, एडल्ट और चाइल्ड का फुल पेमेंट लगता है, यानी कि 2 साल से जो ऊपर का बच्चा होगा उसका फुल पेमेंट लगेगा। इकोनॉमी का अलग चार्ज होता है, बिजनेस का अलग होता है, सबसे सस्ता इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप अगर एडल्ट हैं तो फुल चार्ज लगेगा, चाइल्ड का भी फुल चार्ज लगेगा। 2 साल से कम के बच्चे का ही फ्री होता है, रेलवे की तरह नहीं कि 5 साल से कम के बच्चों का फ्री रहता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हाफ टिकट का भी कोई सीन नहीं है। तो मैं एक पे क्लिक कर देता हूँ, सर्च कर देता हूँ। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और कोई दिक्कत आता है कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कुछ और रूल्स भी आपको बता दूँ, जैसे वो कैंसिलेशन का रूल ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कैंसिलेशन का रूल हर फ्लाइट का डिफरेंट होता है। किसी में नॉन रिफंडेबल होता है, किसी में रिफंडेबल होता है, यानी कि अगर आपने एक बार टिकट करा लिया तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका रूल्स ज़रूर पढ़ लें। अब देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं नॉन स्टॉप टाइम के हिसाब से चाहिए या एयरलाइन के हिसाब से चाहिए। नॉन स्टॉप वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो आपको बीच में कोई भी स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है। सब पे देख रहे हैं आप क्या लिख रहे हैं, नॉन स्टॉप यानी कहीं भी नहीं रुकेगा रास्ते में। टाइम के हिसाब से चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग चाहिए, मॉर्निंग चाहिए, मिड डे चाहिए, नाइट चाहिए। आपको मिड डे में कर देता हूँ या मॉर्निंग ही कर देता हूँ, 6 से 12 बजे का, ठीक है। और आप एयरलाइन से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, गो एयर, स्पाइस जेट, जो भी आपकी मर्जी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सारे का ऑप्शन रखा, क्योंकि प्राइस उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस टाइम का प्राइस ये है, दूसरे फ्लाइट का प्राइस कुछ अलग है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ पहले वाले को बुक करके। तो मैंने कर लिया पहले वाले को। अगर आपने पहले से लॉगिन नहीं किया है तो आपको लॉगिन करना होगा नंबर डाल के, और आपने रजिस्टर नहीं किया तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। तो चलिए मैं नंबर डाल के दिखा देता हूँ, तो सेंड OTP भी करता हूँ। और एक बात और, आप अपने बैग का वेटेज ज़रूर चेक कर लीजिएगा बुक करने से पहले कि आपको कितना लेके जाना है, क्योंकि अगर आपका वेटेज ज़्यादा होता है तो आपको उसका चार्ज देना पड़ सकता है। रेलवे में होता है ना कि कुछ भी ले जा रहे हैं, बसेज में होता है कि ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 15 kg का आप एक ट्रॉली ले सकते हैं, और 7 kg का हैंडमेड बैग, यानी कि हैंड पे टांगने वाला, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इंश्योरेंस देख सकते हैं, 236 रुपये का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस चाहे तो ले सकते हैं। इंश्योरेंस के फ़ायदे आपको मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपका
एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपको 2.5 लाख रुपए तक का मिलेगा, मतलब बच जाते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है तो 20 लाख रुपए तक का मिलेगा, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। और अगर आपका बैग लॉस हो जाता है तो मैक्सिमम कवरेज जो है 20,000 का होगा, और या उसके अकॉर्डिंग 10-50% तक आपको मिलेगा पर आर्टिकल का, ठीक है। अगर उसमें कोई महंगा होता है 20,000 से ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्लाइट डिले होता है तो ये आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया क्योंकि आप ले लें तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, आपको ऑफ़र मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पे ऑफ़र लोड हो रहा है खुद से ही। मैंने आपको क्या बोला था कि ऑफ़र जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ऑफ़र में आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। अब देखिए अभी यहाँ पे खुद से सिलेक्ट हुआ है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ तो मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट करूँगा, ये वाला, ठीक है। गेट 10% फ्लैट, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 394 रुपीज़ का ऑफ मिल गया इंस्टेंट। पेटीएम में क्या होता है, आपको बाद में कैशबैक मिलेगा, कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपके पास कोई सुपर कॉइन है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, यानी कि इस पर ऑन करेंगे तो आपका 400 रुपये और डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये यूज़ नहीं करना क्योंकि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो मैं इसके बाद कर दूँगा कंटिन्यू पे। और आप चाहें तो यहाँ पे रिफंडेबल रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कितना रिफंड आपको मिलेगा। तो कंटिन्यू पे कहते हैं हर फ्लाइट का अलग अलग रिफंडेबल रूल होता है। एड न्यू एडल्ट, इस पर आप क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी डाल के कर देना सेलेक्ट। मैंने पहले से सेव कर रखा है तो मेरा खुद से आ गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालूंगा। सो गाइस इस तरीके से आपको सब कुछ डिटेल डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट का टिकट बुक करने का तरीका आपको मैंने बताया है, लेकिन आपको पूरा और डिटेल में बता देता हूँ लास्ट तक। तो पेमेंट के ऑप्शन पे मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसमें इंटरनेट बैंकिंग, UPI या किसी भी चीज़ से, इसमें देखिए EMI का भी ऑप्शन आ रहा है खुद से, EMI भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं चाहूँ तो नेट बैंकिंग पर क्लिक कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड पर कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, सारा पेमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP आएगा और क्या होगा, सिंपली आपका पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपका टिकट जो है आपके फ़ोन में आ जाएगा मैसेज के द्वारा और ईमेल के द्वारा। सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thank you for watching this video.